हम लोग क्या करते हैं, जैसे केला लगाने गया किसान, तो आपने केला क्यों लगाना है? क्योंकि तो इन्हें इस बार अच्छा फायदा हुआ, इन्हें अच्छा फायदा हुआ, इन्हें अच्छा फायदा हुआ, तो हमारे दिमाग में कीड़ा काटा यार, केले में अच्छा फायदा मैं लगाऊं। अब ये चारों इतने साथी रहे, ये तुम्हारा केला कभी अच्छा नहीं होने देंगे। ये भी गाँव में होता है कि नहीं होता? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, आप ही लोग बताते हो मुझे गाँव में कि भैया यार हमें बताते ही नहीं कुछ। ऐसे ऐसे बंदे जो हमें 3-3 साल तक फॉलो कर रहे हैं, हमारी कोई फीस ऐसे हैं कि दवाई घर से कपड़े लेके जा, हम खुद ही बता रहे हैं अभी। पहली बात, हमारी कोई फीस नहीं है, हमारा कोई पैसा नहीं है, हमारी कोई चार्ज नहीं। आप 1000 बार फोन करो, 1 साल में किसी का भी पौधा लगाओ, कहीं से भी लगाओ, कोई भी फसल क्यों ना हो, केले को मारो गोली, हम फ्री सेवा देते हैं पूरे भारत में। ऐसी बातों को भी लोग बताते नहीं गाँव में, बोलते भैया हमें तो पता ही नहीं था आपका। तो ऐसे ऐसे भी नमूने हैं, 3-3 साल 4-4 साल हो गए हमारे साथ चलते चलते, मगर गांव में किसी से जिक्र नहीं की। गांव वाले बेचारे वो धक्के खा रहे हैं। तो जो पहला किसान है, पहली बात तो जल भराव नहीं होना चाहिए, 6 इंच से ज्यादा, 3 दिन से ज्यादा, 6 इंच और 3 दिन मिट्टी में जल निकासी की व्यवस्था हो। अगर पानी भरता है तो कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए उससे नीचे वाला खेत के यहां से पानी काट दो तो दूसरे खेतों से होकर निकल जाएगा। दूसरा, 70,000 से 1 लाख रुपए पूरे साल का बजट आपकी जेब में होना चाहिए, तब जाके केला काट पाओगे अच्छा। उससे पहले मिट्टी की जांच, आप जिस खेत में केला लगाने की प्लानिंग कर रहे हो उसकी मिट्टी की जांच, वो भी अच्छी प्रमाणित लैब से, ऐसी वाली से नहीं कि गए मिट्टी फेंकी और कार्ड पर दिया कि जा ऐसा कर, हो गया। ज्यादातर ऐसे होता है, तो चाहे तो किसी प्राइवेट लैब से करा सकते हैं आप, ठीक है, आपके नज़दीक में कोई ना कोई जरूर होगी, नहीं है तो मुजफ्फरनगर भेज देना, वहाँ पे लैब है जानसठ में, ठीक है। युवा किसान नई सोच के अंकित बेनीवाल जी, उस पर भेज दो, वरना बिजनौर में है, मतलब कई जगह में है, मुरादाबाद में है, लखनऊ में है, आप इधर उधर हाथ पैर तो मारो आपको यहाँ भी मिल जाएगी। तो सरकारी वालों को ये बोलना कि अगर प्राइवेट लैब में भी कराऊंगा मैं तुम्हारे बाद, अगर गड़बड़ निकल गई भाई साहब तो कोर्ट में घसीट दूंगा। जांच की बात है, अगर कुछ किसान तैयार हो जाए तो नौरत्ना वालों ने कई बार ऑफर किया। हाँ तो करवाओ, दिक्कत कहाँ है? लेकिन दिक्कत यही है किसानों से, जब बोलो कि भाई करना है नौरत्ना वालों को, नहीं देखो आना चाहिए, कोई दबाव देना करो। अब उनका मेन उद्देश्य यह है कि हम जैसे अंधाधुंध डाले जा रहे, डाई डाल दे, यूरिया डाल दे, हमें सत्ता पोटाश डाल दे, जो मन भावे तुम डाल दे, और जांच हो गई तो एक सेकंड एक एक उनका कहना है अगर हमारे तक है तो आप दो के दो मिला दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं किसी अधिकारी को लखनऊ से बुलाता हूँ तो 70 से 100 हमने भी इनसे कहा था कि अगर हम आएंगे, वो कह रहे थे बाकी का रही खर्चे की बात तो खाने का बैठने का सारा खर्चा कंपनी का है, सिर्फ आपको किसान मिला, तो 600 रुपए में करवाओ, क्या दिक्कत है पर किसान? दूसरा रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है, नहीं आ सकते, संगठित नहीं हो सकते तो 600 रुपए में करवाओ। तो एक तो ये हो गया बात, दूसरा है आपका जो नाली रहेगी, मतलब इसकी जो लाइन टू लाइन रहेगी मुंह खेत का, वो दक्षिण उत्तर होना चाहिए, ठीक है। दोपहर के बाद पौधा लगाना है, 2 बजे तक पौधा मत लगाना वरना वो दब के ही चलेगा। पौधे की बॉल खैर वो हमेशा देंगे कि टूटेगी नहीं, फिर भी टूटनी नहीं चाहिए नीचे की बॉल। पौधे को कम से कम 4 दिन घर पे इत्मीनान से रख के तब लगाना है। पौधा आने के बाद लिंटर के नीचे नहीं रखना है, लिंटर की दीवार के पास में नहीं रखना है, 1.5 मीटर तक, पूरा धूप में नहीं रखना है, पूरा छाया में नहीं रखना है। 12 बजे तक की धूप लगे, 12 बजे के बाद की धूप ना लगे। पौधे को रोज 3 टाइम पानी देना है, लेकिन फुहारे टंकी से, टंकी हमेशा धुली हुई होनी चाहिए अच्छे से, पहले 1 दिन पहले उसको गर्म पानी से धुल लो पौधा आने से। तो ये सारा पिछली एक वीडियो आएगी, अभी आई हुई है, उस वीडियो में सारे प्रिकॉशन दिए हुए हैं। दूसरा, पौधा जब भी लो विश्वसनीय जगह से लो, चाहे हम हो या कोई भी हो, पक्का बिल लो। अच्छा पौधा लो तो भैया पौधे की तुम्हारी गारंटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अब आए और उसके बाद थपा, ना तुम्हारा आता पता है, ना हमें कोई गांव जिला पता है, ना तुम्हारे
कोई ऐसे ही बस लिया, रजिस्टर लिया और बुक हो गया जाओ, भागो वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से जैसे हम लोग करते हैं, हमारा प्रॉपर रजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड लैब, रजिस्टर्ड बिल आएगा, सारी चीज़ें सब कुछ कंप्लीट है अपनी जगह में। गवर्नमेंट को 30% देते हैं ठुक के। तो ऐसा ऐसा नहीं कि हम ही हैं, बहुत लोग हैं, जहाँ से भी आप लें प्रमाणित लें, हम तो ये कहेंगे हमसे लें, लेकिन अगर कहीं से भी लें तो एक ओरिजिनल पौधा लें। ज़्यादातर आप लोगों के क्या होता है, जो बड़े लोग हैं, बड़े किसान, उनको तो ओरिजिनल पौधा मिलता है। जो 2-3 एकड़ तक का किसान है, 1 एकड़ 2 एकड़ वाले, इनको बेचारों को ऐसे पौधा दे देते हैं कहीं से भी उठा के, समझ रहे हो? क्या इनके बीवी बच्चे नहीं हैं, ये नहीं चाहते 40 किलो का लूंगर काटना कम खर्च में? हम सिंगल तो 500 का बुक नहीं करते, मतलब आपके गांव से केवल एक आदमी फोन करेगा मुझे 500 पौधे चाहिए तो नहीं देंगे, 1000 देंगे। दो आदमी मिलकर 1000 मंगा लो, एक गांव में कम से कम 1000 होना चाहिए, चाहे वो 4 आदमी का मिलके हो, हम पौधा भेज देते हैं यूपी में कहीं भी। ये सुविधा हम लोगों ने करी। दूसरा, केले में बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम इसको केमिकल और दवाइयों पर जाएंगे तो केले की खेती अब नहीं कर सकते आगे इस तरीके से। तो जो हो गई वो हो गई, अब आपको प्रकृति की तरफ चलना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें लानी है जो हमारे घर में हैं मगर हमें पता नहीं है, या हम उनका जानबूझ के प्रयोग नहीं करना चाहते। तो आपको नेचर के साथ चल के खेती करनी है तो आगे कर पाओगे, नहीं तो खेती भूल जाओ, होगी नहीं। अब देख लो हर चीज़ में फंगस आ रही है, केले से लेके गन्ने से लेके बीमारियाँ, ये नहीं समझ रहे हम लोग कि बीमारी आ कहाँ से रही है और आ क्यों रही है, ज़मीन सारी और कहाँ से आएगी। तो ज़मीनों को मजबूत करो, घरेलू चीज़ों से मजबूत करो, ना कि जबरदस्ती के पैसे फूकने से, इधर से ये लिया उधर से वो लिया उधर से लिया। अभी आप सवाल पूछो अपने किसी का, क्या क्या सवाल था? मंत्रमुग्ध हो गए, भूल गए, आप कुछ पूछ रहे थे? जितना सोचा है तुमने तो सोचे हो, अरे उसको क्या देख रहे हो? 50 किलो, 50 किलो के लिए मेहनत करोगे तो आएगा। हम अगर ये सोचते कि होमगार्ड बनना है तो होमगार्ड ही बनते, हम जो लिखा है इसके पीछे नहीं बनते। हमने सोचा था ये बनेंगे तो उसके हिसाब से 32 किलोमीटर दौड़े भी हम, तो आज भी दौड़ रहे थे मोटरसाइकिल लेके आ गए, पूछो नहीं तो इनसे, हम तो शाम दौड़ने निकल गए थे आराम से। ये बोले हमारे खेत 1.5-2 किलोमीटर, हम बोले तुम बाइक से आओ हम चल रहे हैं इतना, और दौड़ भी लिए थे 501 मीटर। ये आई गई पीछे से, ये रुक गए, हम बोले यार तुमने मजा खराब कर दिया, अच्छा खासा दौड़ते 5-7 किलोमीटर, भूख अच्छी लगती थोड़ी सी। तो मेहनत करनी पड़ती है बाबू, 50 किलो के लिए खून निकालना पड़ता है, खून, समझ रहे हो? लेकिन आता है, 50 का एवरेज तो नहीं आएगा, अगर पहले साल 25 किलो का एवरेज आएगा ना तो कुरकुराने लगोगे, पड़ोसी को तंग करने लगोगे तुम, नोट की गर्मी ऐसी होती है। 25 के एवरेज में भी आप कम से कम मानिए कि 3 लाख रुपए का केला, क्यों 3 लाख रुपए का केला निकलता है 25 के एवरेज में? 50 तो खैर हवाबाजी है, कहने वाली बातें हैं, 50 के 2-4, 10-5 चरखे निकल सकते हैं, 20 चरखे निकल जाएंगे, 100 निकल जाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा पूरे नहीं निकलते। एवरेज 25 का आ जाए पहले साल, वो बहुत भयंकर बढ़िया किसान मान लो, 22 से 25 मान लो आप पहले साल, अगले साल खुद ही बढ़ जाएगा। ऐसे मेरे पास देखो, मेरे पास जो लोग हैं, मैं चाहे तो आपको फोन करवा के यही आपके सामने लाउड स्पीकर ऑन करके पूछवा सकता हूँ, 28 से नीचे का कोई है ही नहीं। अब हमारे पड़ोस में एक किसान है जी, उनका करीब 4 एकड़ खेत था, तो उनके बेचने का तरीका ये था कि चारों में कोई भी बेचता था लेकिन कट्टी 4 एकड़ से थी, 36 किलो का एवरेज जाएगा, आपका वजन व्यापारी ही ले जाता है, ये मैं समझाऊंगा जब चैप्टर आएंगे, अभी रुके रहो। अभी आपके गांव में मुझे 2 बार और आना है, एक तो जब पौधा लगेगा तब, और जब माल कटने से पहले अगले साल, वो क्यों आना है? आप लोग जो फल आता है ना, अभी बताऊंगा तो भूल जाओगे, जब ये फल आता है तो बहुत गलतियां करते हो, 1 एकड़ में 50,000 का नुकसान खाते हो कम से कम, केवल छोटी सी गलती के कारण
ना बंच मैनेजमेंट सही से करते हैं, ना उस पर कवर लगाते हैं, जबरदस्ती की दवाइयां मारते हो, अपने रेट खुद खराब कर लेते हो। तो वो सारी चीजें हम आपको सब बताएंगे, टोटल ए टू जेड। कवर में पैसे क्या करना चाहिए? बंच मैनेजमेंट करके कवर लगा दो, बंच कवर ना इस तरह की। केले के फल को कोई इस तरह की आवश्यकता नहीं है, जबरदस्ती करवाया जाता है आप लोगों से पैसा निकालने के लिए। किसने कहा? तुम्हारे गांव के पास क्या नाम था उसके लौंडे का? पतरासी में बंच कवर लगा हुआ है, वीडियो बनी हुई है। टॉप केला बेचा उस बंदे ने, ऐसा भी एक से एक बड़ा खिलाड़ी पड़ा है यहाँ। आपके स्प्रे से कम खर्चा है, बंच कवर में कितना आता है? 7 से 8 रुपए के बीच का बंच कवर आ जाता है, 7 से 8 रुपए पर पौधा। किससे मिलेगा ये? मैं महाराज बन के बैठा हूँ तो मैं दूंगा। हम आपको पौधे से देखे, देखो हम आपको अंगूठी पहनाने से लेके और बच्चा गोद में खिलाने तक हम आपके साथ खड़े हैं। शादी कैसे होगी, बच्चा कैसे आएगा, बारात कैसे चढ़ेगी, चौकी कहाँ रखी जाएगी, दूल्हे को टीका कब लगेगा, समझ रहे हो, विदाई कैसे होगी, वो सब बताया जाएगा। नियमता बंच कितना होना चाहिए? बंच मतलब पंजे, पंजे आपका जो नीचे की मोटाई है, नीचे की मोटाई मतलब आप तो समाधि बना देते हो इतनी मोटी, अब वो तो गड़बड़ी हो जाता है, उसमें क्या नापोगे? उसमें 2 प्लस कर लेना, जितने आपके नीचे के तने की गोलाई जहाँ पे प्याज बनती है केले की, इस प्याज की जो मोटाई है उसको 4 से भाग कर दो, उतने ही पंजे रखने हैं। अब इसमें भी 3 गेम है, जैसे आपका ये पंजा आया, अब हमारा खेत है, अब हमारे खेत में पहली जो फ्लावरिंग आई, पहला फूल दिखा, तो वो दिखा सपोज करो 15 जून को, तो 20 जून को 15-20 मामा और आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 1 जुलाई को ये संख्या 100-150 में पहुंच जाएगी, तो एक हफ्ते में हमने एक दिन जाना है बंच मैनेजमेंट करने के लिए, 14 दिन के बाद बंच मैनेजमेंट होता है। आपको उस समय पर थोड़ा कॉपी किताब रखना पड़ेगा अपने पास, या पेड़ पे स्केच पेन से परमानेंट मार्कर से लिख लो। हम तो परमानेंट मार्कर का प्रयोग करते हैं पौधे के ऊपर, तो हमें पता चलता है कि हाँ ठीक है ओके। तो जो पहले पंजे आ रहे हैं इनमें 4 से भाग करके 2 पंजे फालतू छोड़ो, अगर एक साथ काटना है तो 15 जून का केला, सुन लो 15 जून का केला और उसके बाद जुलाई 1 तक का केला, यानी कि अगले 25 दिन का केला एक साथ काटना है तो क्या करना है? शुरू में 4 से भाग करना है, जितने पंजे बैठते हैं भाग करके उससे 2 पंजे फालतू छोड़ दो पहले वाले। इसके 1 हफ्ते या 15 दिन बाद जो मैनेजमेंट करोगे उसमें 1 पंजा फालतू छोड़ो। शुरू की 10% फ्लावरिंग में 2 पंजे फालतू छोड़ने हैं, शुरू की 30% फ्लावरिंग में 1 पंजा फालतू छोड़ना है, बाकी 50% जो 40% फिर एक साथ आएगी फ्लावरिंग उसमें एक भी फालतू नहीं छोड़ना है, 4 से भाग करके उतने रखने हैं, आखिर की 10% में 1 पंजा कम करना है। भाग करने के बाद 1 पंजा कम करना, भाग करने के बाद जितने आ रहे हैं उससे 1 पंजा कम, बढ़ाते जाना है घटाते जाना है बाद में, समझ गए? आखिर में 2 पंजे कम करने हैं, शुरू के जो लास्ट के 100-150 पेड़ रह जाएंगे लेट वाले उनमें 2 पंजे कम करने हैं। तो ये मोस्टली सब समय में कट जाएगा, साथ मिल जाएगा, सब समय में कटेगा, छोटी छोटी ट्रिक है, इतनी इतनी सी इनमें काम हो जाता है किसान का। तो ये जो आपने पूछा था ये उसका जवाब है बंच मैनेजमेंट का। दूसरा बंच कवर लगाओ आप लोग। अब देखो स्प्रे करना इतना आसान तो होता नहीं है, आप लाए एनपीके और आप आ जाओ इसको, आप एनपीके लेके आए या कोई दवाई लाए या कुछ भी लाए, दुनिया भर की दवाइयां लाते, मैं कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहता। केले को दिक्कत होना हो, मच्छर मरे ना मरे तुम जरूर मरो, कैंसर होना है निश्चित रूप से। अच्छा एक बात बताओ, हमें लोग अन्नदाता बोलते हैं, हमारा केला खा करके, हम केला क्यों उगा रहे हैं कि हमारा केला खा करके जो छोटे बच्चे हैं ये ताकतवर बने, बलवान बने, जो जिम कर रहे हैं, जो बहुत की भर्ती देख रहे हैं या जो बीमार है वो स्वस्थ हो,
फल उगाने का मकसद तो यही हुआ ना, या मारना मकसद है किसी का, गैर इरादतन हत्या तो मकसद नहीं है ना। किसान कभी नहीं चाहेगा मेरी फसल से कोई मर जाए। लेकिन आप जिस प्रकार के जहर कभी भी किसी भी फल पे मारते हो तो वो उसके अंदर बहुत समय तक सर्वाइव करता है और खाने वाले की बॉडी में भी जाता है और उससे उसे कैंसर, टीवी, बीपी, हाई, मतलब जो जितनी बीमारियों के नाम है, ये समय से पहले हो रहे हैं लोगों को। तो हम अन्नदाता ना बन करके कैंसर दाता और बीमारी दाता बने हुए हैं। तो यदि हमें अवेयरनेस नहीं है हमारे अंदर, इधर आवे तो अवेयरनेस अगर नहीं है हमारे अंदर तो ठीक बात है भाई, हमें पता ही नहीं है कि जहर क्या है। अगर हमें पता होने के बावजूद हम जहर डाल रहे हैं तो हम क्या हैं? अगर मैं अपनी वर्दी का फायदा अंदर उठाता आप लोगों के ऊपर, निसहाय जो मेरी जनता है जिनकी रक्षा के लिए मैं भर्ती किया गया हूँ, अगर मैं उनके ऊपर वार करूँ उस हथियार से तो मैं क्या कहलाऊंगा? गद्दार कहलाऊंगा। तो हम अपनी ड्यूटी अगर सही से ना, अच्छा एक बात बताओ, एक पुलिस वाला सही से ड्यूटी ना करे तो आप उसको गाली देते हो कि नहीं? है नहीं? तहसीलदार हो, कोई भी हो, या कोई भी सरकारी महकमा हो, प्राइवेट महकमा हो, इंक्लूडिंग आपका खेत जो जुताई करने आ रहा है किराए पे, आप अगर वो सही नहीं जुताई कर रहा तो आप उसको गाली देते हो, तो क्या आप अपनी जगह पे ईमानदार हैं? अभी आपको गाली देने का हक है। एज ए किसान क्या आप जहरमुख उगा सकते हैं? आपको पता है उगा सकता हूँ, बंच कवर लगा लूंगा तो मैं बच जाऊंगा जहर मारने से, लेकिन आप नहीं करते ऐसा तो आप भी गुनहगार है भाई साहब। और चाहे कोई सजा दे ना दे, वो परमात्मा देता है। बंच कवर लगाने का फायदा, भारत की जनता तक आप जहर मुक्त केला पहुंचा सकते हैं, भारत की जनता तक आप साफ सुथरा केला पहुंचा सकते हैं, भारत की जनता तक आप हैवी न्यूट्रिशन वाला केला पहुंचा सकते हैं। मगर हमें आदत पड़ी हुई है, दिमाग में साइकोलॉजिकल डाला हुआ है कि इस तरह के बिना केला मोटा होगा। केले की लंबाई बराबर आएगी, उससे ज्यादा आएगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसी चीज नहीं होगी तो भरे कैमरे के सामने मैं पागल हूँ? इतनी बड़ी चीज बोल दूंगा आप लोगों को, पूरी दुनिया बंच कवर लगाती है, पूरी दुनिया जहाँ पे केला टॉप केला होता है, तुम्हें काबिल हो तो क्लोरो मार मार के केला पका रहे हो? देखिए बीटल के लिए आपने उसी दिन तैयारी नहीं करनी है जिस दिन हम घर आ गए और आधे आलू लेने जा रहे हैं हमारे सामने, तो कभी खाना नहीं खिला पाएगा। इसे पता था भैया आ रहे हैं तो पहले लाना भाई, जा करके व्यवस्था कर शाम की। अब हम ठंड में सुखड़े बैठे हैं, ये जा रहा रिजाई लेने, दो बज गए रात के, रिजाई आई नहीं, समझे कहा नहीं? तो बीटल कब आएगा? जब फूल आएगा। उसके एक महीना पहले से चालू करो ना स्प्रे। अब किस चीज़ का स्प्रे मारें? अब आप स्प्रे का नाम तो आपके स्प्रे का नाम तो आपके दिमाग में रमिया बहट आ गया होगा, या पास वाला कस्बा कौन सा तुम्हारा? ढकरवा। तो ढकरवा चौराहे पे पेशे झाट की दुकान कौन सी वाली है? मेरा नाम बोलते ही बीटल का, उधर नहीं जाना है। तंबाकू लेके आने 5 किलो पत्ते, और उसमें हो सके तो यह आंकड़ा आता ना आंख, जिसको बोलते हैं आंख में लगा दो तो अंधा हो जाते हैं, मरा। वो हुआ कोई नहीं है, वो पता नहीं क्या पता हो भी जाते हूँ, बट बुजुर्गों से ऐसा सुना है। तो 5 किलो उसके पत्ते लेकर के 200 लीटर के ड्रम में डाल दो पानी में, 5 किलो गुड़ डाल दो, उसका मुंह बांध के छोड़ दो उसको 2.5 महीने के लिए। वो 5 लीटर लेना, 200 लीटर पानी में मिलाना है, झपा झप स्प्रे करना है नीचे पौधे के चारों तरफ, पौधे के तने पे और ऊपर तक। ना तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला है, बीटल तंबाकू से बहुत चिढ़ता है, भयंकर, उसकी खुशबू बर्दाश्त नहीं है उसको, बीटल तंबाकू से भयंकर चिढ़ता है, समझ रहे हैं आप? तो वो अगर आपने मारा 15-15 दिन पे या 10-10 दिन पे, क्या फर्क पड़ रहा है? फ्री का सौदा तो दबा के मारो, तो बीटल नहीं आएगा। दूसरी बात, यदि आपने मेरी गाइडलाइन फॉलो की तो मैं आप लोगों को बिवेरिया बेसियाना और मैथीरिजिया मेनिसोपले स्प्रे करवाता हूँ, इसी कोई भी कीड़ा हो मैथीरिजिया मेनिसोपले, ये मित्र कीटों को नहीं मारेंगे, शत्रु को छोड़ेंगे नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं,
कि हमने बंदूक ले रखी है, जो भी आ रहा है भीषण फूफा जी आए उड़ा दिए दुश्मन के चक्कर में, तो तुम्हें पता होना चाहिए फूफा कौन है और दुश्मन कौन है। तो वो तम्बाकू को पता है कि फूफा कौन है और दुश्मन कौन है, और उसको मैत्री जमानी सौंपले को पता है कि फूफा कौन है और दुश्मन कौन है। तो फूफा को नहीं उड़ाना है भाई, और रिश्तेदार पेल दिया तुमने तो पेस्टिसाइड क्या करेगी, वो सबको मारेगी। तो ये जितने भी कीट आएंगे उनके ऊपर पकड़ के उनको लकवा मार देता है, अंडों को ही खा जाता है, खत्म कहानी। जमीन में पहले जमीन में ही पैदा होते हैं, जैसे ही अंडे जन्म लिया इनका समय होता है बीतल का, जैसे ही ये जन्मेंगे वहीं बैठा है वो मुंह फला के आ जाए बेटा आमलेट बना के खा जाएगा उसकी उधर ही अंडा मुर्गा निकलेगा जब ना जब आमलेट नहीं बनेगी, समझ रहे हो। तो ये चक्र है प्रकृति का जो आप लोगों को नहीं बताया जाता, क्यों गांधी जी कहाँ से आएंगे, समझ रहे हो, बिल्कुल भी नहीं आता है। मैं थ्री जी मनी झोपले अगर आपने स्प्रे किया तमिश से तो बीटल की तो टेंशन आप दिमाग से निकाल दो अपने, वो हमारे ऊपर छोड़ो। हम अगर आपको 5 साल तक उस कचरे में अगर वो करवा रहे हैं केला, तो बेवकूफ थोड़ी है, कुछ तो प्लानिंग करके या कुछ हम जो कर रहे हैं, हम आज से काम नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं। तो बीटल की समस्या कोई समस्या नहीं है, उसके ऊपर बंच कवर लगा दो। और एकदम बंच कवर ना लगाने का मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको। अभी हम लोग पता क्या कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ सो रहे हैं कमरे में, तो हमने हीटर रख लिया अपने पास, और हम थोड़ा मच्छर लगा हीट मारा फिर सो गए, फिर मच्छर लगे फिर हीट मारा फिर सो गए। मच्छरदानी तो रखी हुई है, पता ही नहीं है साला मच्छरदानी भी लगती है, हिट मार रहे हैं। जैसे भैया ने पूछा कि क्या केला बड़ा होगा, तो भाई मच्छरदानी से क्या मच्छर मरेंगे, नहीं मरेंगे, लेकिन प्रकोशन है वो। केला बड़ा होने का सूत्र क्या है, केले के ऊपर फंगस ना लगे, कीट डंक ना मारे, रस चूसे कीट उसका ना चूसे, तो निश्चित रूप से 2 इंच मोटा और 1.5 इंच लंबा फल आपका जाएगा। तो ये किससे संभव है, केवल बंच कवर, बंच कवर भी साधारण बंच कवर नहीं, हम लोग जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो ताइवान से आ रहा है हमारा, बहुत दिन साथ में। कितना खर्चा आता है बंच कवर का, 7-7.5 लगा लो आप, 30 साल का रेट बता रहा हूँ मैं, अगले की नहीं बता रहा हूँ, 7-7.5 पर पौधे का, पॉलोथीन है 20 माइक्रोन की, अगर तमीज से चला पाए तो अगले साल 70% इसमें से आपके काम आ जाएगा। वही अरे पन्नी तो है यार, गधेबाजी करेंगे तो सारे के सारे फट जाएंगे। 20 माइक्रोन की बारीक पन्नी आती है, इज्जत से उतारो धीरे से, तो बनाओ अपने घर रख लो, हम तो करते हैं ऐसे, जो बाबूजी लोग हैं वो फाड़ देंगे उसको। दूसरी बात, पौधा निकलने से लेकर के ये सॉरी बंच और माल कटने तक 3 महीने में मेरा मानना यह है कि आप 10 स्प्रे कम से कम कर देते हो, सबसे ज्यादा हो जाए एक स्प्रे में आप लगभग 50 पैसे की तो लेबर मान लो पर पौधा, 1,000 पौधों पे 500 रुपए ले लेता कि नहीं ले लेता लेबर वाला, 300 रुपए दिहाड़ी चल रही थी 1,000 पौधा। भैया हमारे यहाँ टंकी पे चलता है 80 रुपए टंकी, 100 रुपए टंकी, 20 रुपए यहाँ, 20 रुपए नहीं हमारे यहाँ तो भगा देगा तो लठ लेगा दौड़ाएगा, केमिकल बात करोगे तो 80 से 100 रुपए वो तुमसे ज्यादा पड़ेगा, लौंडे हैं वो सूंघ के बता देता है केमिकल है 80 रुपए। कुल मिलाकर के हम कॉमन एवरेज की बात करें तो 50 पैसा प्रति टंकी खर्चा, ठीक है, और 50 पैसे की तुम दवाई भी लगाई लेते हो, ऐसा तो है नहीं कि दवाई नहीं लगेगी, समथिंग आपको बता दे 100 रुपए टंकी के हिसाब से खर्चा होता है, 120 रुपए लेबर मिलाकर 120 रुपए पर टंकी। 1 एकड़ में कितना टंकी लगाते हो, 1 एकड़ में लगभग 15 से 18 टंकी, 15 से 18 टंकी, चलो 18 पे कैंसिल करो 15 टंकी, तो 1 एकड़ का एक खर्चा 1500 रुपए, जिसमें भयंकर जहर तुमने उसमें मारा 4 दिन तक तुम नहीं जाओगे नहीं तुम्हें दमा हो जाएगा साला, और जो मार रहा होगा वो तो जल्दी मरेगा, वो बेचारा तो गुनहगार है भी नहीं, उसे तो अपना पेट भरना है, गरीब को मजदूर को, उसको अपना पेट भराने के लिए तुम खेत के बाहर खड़े हो, तुम उससे डलवा रहे हो, इसका भी तुम ऊपर कढ़ाई में जब तले जाओगे तो हिसाब दोगे, टेंशन मत लो। हाँ जो बात सच है वो सच है यार, तुम किसी से गलत काम करा रहे हो जानबूझ के, तुम्हें पता है ये नुकसान देगा, ये गुनाह है कि नहीं है, तो ये तो एक अलग बात होगी, आध्यात्मिक बात है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, बट वो गलत है। हम जहर बांट रहे हैं पूरे भारत में,
लेकिन चलो हमने करा दिया तो कितने रुपए लगे? 1500। 10 स्प्रे के कितने हो गए? 15,000। अब बात करते हैं बंच कवर की। पर पीस सपोज करो 7.5 रुपए एवरेज मान लो आप, ठीक है, 1000 पेड़ों पर कितने हो गए? तो खर्चा आधा हुआ कि नहीं? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। आधा हो गया। कोई खुशबू आई दवाई की, उस केले को घर लाके सब्जी बनवा सकते हो शान के साथ, और एक फीलिंग आएगी तुम्हारे अंदर कि जो मेरा केला खाएगा गारंटेड जहर मुक्त है। और एक और मजे की बात बता देता हूं, यदि आपने फल के ऊपर स्प्रे नहीं मारा तो नीचे से जो भी डाल रहे हो फल में नहीं आता वो, तो तुम्हारे फल को क्या कहलाया जाएगा? रेजिड्यू फ्री, अवशेष मुक्त, जहर मुक्त, ऑर्गेनिक नहीं, जहर मुक्त। तो जहरी तो नुकसान दे रहा है। उसके बाद ऐसा केला निकलता है ना बंच कवर के बाद कि खुद ही देख के ऐसा मन करता है कि यार इसको कटवाओ मत। सुंदर सजीला क्रीम कलर का, हरा भी नहीं, क्रीम कलर का। मेरा वाला देखा था, उसको बोलते केला, हवा खराब हो जाती भैया जी, काटने का मन नहीं करता, दराती लगाने का उसको। तो आधा खर्च हुआ, पैसे बचे, नेचर बचा, मित्र कीट बचे, वो गरीब बचा, मैं बचा, सब कुछ फायदा ही तो है, तो जानबूझ के नुकसान क्यों कर रहे हो भाई? तो कभी भी गलती से भी अगले साल से स्प्रे मत करना। और एक और बात, अगर ये बंच कवर 2 साल चला बैठे तो दद्दा फिर तो फ्री सेवा हो गई, 3.5 रुपए में काम हो गया 1 एकड़ का। और तंबाकू में क्या खर्चा है, एक बार बना लो 200 लीटर, मेरे ख्याल से तो अगर छोटा किसान होगा तो उसकी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, वो उससे खत्म नहीं होगा। इतना पुराना होता उतना डोज सब भयंक, वो कम होते जाता है अगले साल तो वो। हाँ जी, अगर शुरू के 20 दिन में ले रहे हो, 20 दिन के बाद यूज कर रहे हो, तो एकड़ में लगभग 15 लीटर, 10 से 15। अगर 2 महीने के बाद ले रहे हो तो 5 लीटर, 3 से 4 महीने के बाद ले रहे हो तो 3 लीटर, 6 महीने के बाद ले रहे हो तो 2 लीटर। देखो मिसाल कहाँ की। तो कुल मिला करके लास्ट में ये जब बहुत पुराना हो जाएगा तो टंकी में 1 ml/L पे आ जाएगा भाई साहब। तो ऐसी दवाई बनाओ ना यार घर में, हम क्यों जाए उधर जबरदस्ती की कहानी में। जो बंच कवर नहीं लगा सकते तो तंबाकू का स्प्रे मारो, फिटकरी का स्प्रे, तंबाकू का स्प्रे, फिटकरी, तंबाकू, फिटकरी, तंबाकू, फिटकरी, इसमें केला कट जाएगा। लेकिन बंच कवर लगाओ केले की क्वालिटी, वरना हल्के हल्के दाग से, मच्छर काटे हुए से जो दाग बन जाते हैं उसी से केले की लंबाई ब्रो सारी वही। यार भाई सीधी सी बात है, मुझे रात भर मच्छर काटेंगे तो मैं सोऊंगा कैसे? वही से रुक जाती है, मैं सो पाऊंगा अगर मुझे मच्छर काटेंगे तो? नहीं सो पाऊंगा मैं, तो मुझे सोने के लिए क्या चाहिए? मच्छरदानी। तो बंच कवर से बेहतर कुछ नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है भारत को जहर मुक्त खिलाना, लेकिन हमारा उत्पादन कम ना हो। तो ये आप लोग बंच कवर का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि भैया 10 मिनट की होगी तो ज्यादा लंबी अपलोड नहीं होती, लोग देखते भी नहीं है, 20 मिनट 25 मिनट की। हाँ ठीक है, इसको क्लोज करो, दूसरा चालू करेंगे।